महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए भगवान शिव की आराधना की। पीपीगंज के भरोहिया गांव स्थित पीतेश्वर नाथ शिव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद भगवान शिव पार्वती का दर्शन कर पूजन किया। पूजन के दौरान उनके साथ विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित गुरु गोरक्षनाथ विद्यापीठ के निर्मित नए कक्ष का निरीक्षण किया तथा विद्यालय के संचालन पर भी चर्चा की। उन्होंने निर्माण कार्यों के बाबत उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विद्यालय परिसर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 200 की संख्या में स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। इनमें अधिकांश लोग महाशिवरात्रि पर हर बार की तरह उनके दर्शन और आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षारत थे। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी सभी से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरक्षनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर मत्था टेका। उसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और लोक मंगल की कामना की। गौरतलब है कि भगवान शिव लोक मंगल और कल्याण के देवता हैं। वह अतृप्त आत्माओं और पशु पक्षियों के देवता हैं। नाथ पंथ की परंपरा में गुरु गोरक्षनाथ भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय उन्हें अपना आदिनाथ स्वीकार करता है। इसलिए ही गोरखनाथ मंदिर लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना से संचालित होता है। ऐसे में मंदिर के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के लिए महाशिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है और वे प्रत्येक वर्ष पारंपरिक रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं और लोक मंगल की कामना करते हैं। Thank you.
नमः दुर्गाय दुर्गायनाय नमः गौतमाय च अनन्याय च यदारियै प्रभावमया इदानीं पुरमाये पूजानां प्रतिलेयता